वेलकम टू द चैनल अरबी फैंटेसी सेवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का जो आईपीएल मैच खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस मैच में जो और इस वीडियो में आपको आज के मैचेस की पिच प्रेडिक्शन एग्जैक्टली मिल जाएंगी, क्योंकि आप पर देखिए ग्राउंड पर 7-8 पिचेस होते हैं, उसमें पता नहीं होता कौन सी पिच यूज़ होने वाली है। लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन आउट है आज के मैचेस में पता है हमें कि कौन से पिच आज के मैचेस में यूज़ होने वाले हैं। और इससे पहले जितने भी आईपीएल मैचेस उस पिच पर खेले गए उसके एनालिसिस हम करेंगे, तो कंप्लीट पिच रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी। और जो मेरी टीम रहती है आपको ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पर 4 मेंबर के लिए यहाँ पर मैं खेलता हूँ। विनिंग रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हो, पिछले 10 मैचेस में से 90% हमने यहाँ पर मैचेस विन किए। मैं आपको ये नहीं कहता कि आज का मैच ही विन कर लेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में उतनी सारी प्रेडिक्शन प्रोवाइड की जाएंगे जिससे कि आप अपने यहाँ पर अच्छे से स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। और ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मैं खेलता हूँ तो मैं 4 मेंबर लीग खेलता हूँ और एनालिसिस के साथ मेरी यहाँ पर टीम बनती है। आज का जो मैच खेला जाने वाला है इसकी जो फाइनल टीम और फाइनल अपडेट है वो आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो चैनल पर नए हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको मेंशन की कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या अगर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से पहले हो सके तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे दोनों टीम के बीच में जो आज का मैच होने वाला है। इससे पहले अभी तक दोनों टीमें ने यहाँ पर 10 मैच केकेआर ने खेले और 10 मैच पंजाब किंग्स ने खेले, 7 नंबर ऑफ मैचेस खेले। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब किंग्स जो है तो वो एक मैच एक्स्ट्रा विन किए और आज का मैच खेला जाने वाला है ईडन गार्डन में। और जो पिच रिपोर्ट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो पिच रिपोर्ट है वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में करवा दूंगा। और आज के जो मैच के जो पिच यूज़ होने वाले हैं वो पिच नंबर 4 होने वाले, जिसे जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ आउट हुए पिच नंबर 4 यूज़ होने वाले। अभी पिच नंबर 4 के डायमेंशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधा सीधा यहाँ पर आप पिच नंबर 4 के डायमेंशन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अबाउट टू पिच नंबर 4 स्क्वेयर बाउंड्री जो है यहाँ पर 56 मीटर और 70 मीटर है, यानी वन साइडेड की बाउंड्री यहाँ पर छोटी होंगी तो बैट्समैन वही टारगेट करने के लिए देखेंगे, और स्ट्रेट बाउंड्री जो होंगी वो यहाँ पर 70 मीटर होंगी। पेसर कंसिडर मोर रन 11 एंड पर ओवर, यानी आपकी जो पेसर है ना इस ग्राउंड पर और इस पिच पर 11 रन से भी ज़्यादा रन कंसिडर करते हैं। यानी अगर यहाँ पर कोई पेसर 4 ओवर डाल देता है तो एवरेज वो 40 से ज़्यादा यहाँ पर रन कंसिडर कर देता है, तो पेसर के लिए ये पिच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर अपडेट्स आई है कि इस पिच में ना आज के मैच के लिए जो पिच यूज होने वाले उसमें ज़्यादा यहाँ पर मतलब पानी मारा गया नहीं। इससे होगा क्या, आपके जो स्पिनर है उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेंगी और आपके पेसर को हो सकता है आज के मैचेस में भी इतनी ज़्यादा हेल्प ना मिले। और पेसर के जो हाल देख रहे हो आप कंटिन्यूसली 4 मैचेस में एंड एवरेज 11 रन पर ओवर यहाँ पर पेसर ने कंसिडर किए, और मैक्सिमम जो पेसर है यहाँ पर पूरे ओवर डाल भी नहीं पाते। पिछले जो मैचेस हुए इस ग्राउंड पर वो देख लीजिए, लास्ट मैच केकेआर वर्सेस गुजरात के बीच में खेला गया था, 179 रन बने थे और काफ़ी आसानी से चेस किया गया था 18 ओवर से पहले, जिसमें से फर्स्ट विकेट में यानी गुजरात के जो 5 विकेट मिले थे वो मिले थे पेसर को, 2 विकेट मिले थे स्पिनर के, और ये जो 2 विकेट मिले थे वो नूर अहमद को मिले थे, रशीद खान विकेट लेस गए थे। बाकी केकेआर की तरफ से 2 विकेट पेसर को मिले थे और एक ही विकेट स्पिनर को मिल पाया था, यानी आपके सुनील नारायण यहाँ पर टोटली फ्लॉप हो गए थे। यहाँ पर जो येलो कलर में मैंने आपको ये जो मेंशन किया ना, आज का जो मैच जिस पिच पर होने वाला है उसी पिच पर ये मैच हुआ था, और सीएसके ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 275 रन बनाए थे, जिसमें आपके अजिंक्य रहाणे ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और स्मॉल बाउंड्रीज को उन्होंने टारगेट किया था। केकेआर उसे चेज कर नहीं पाई थी फर्स्ट इनिंग में। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो केकेआर के पेसर ने 2 विकेट लेते और स्पिनर ने 2 विकेट लेते, और सीएसके की तरफ से 4-4 विकेट स्पिनर और पेसर को मिले थे, तो पेसर को और स्पिनर को मैक्सिमम टाइम यहाँ पर सेम विकेट मिल रहे। थर्ड मैच जो खेला गया था इसी ग्राउंड पर वो आपके सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर के बीच में हुआ था, और सनराइजर्स हैदराबाद भी देखिए 228 रन, जिसमें आपके हैरी ब्रुक्स का फर्स्ट यहाँ पर सेंचुरी थी इस आईपीएल में, और उसके बाद तो हैरी ब्रुक्स को आपको पता है सभी मैचेस में फ्लॉप है। और इसमें आपके केकेआर के 3 विकेट पेसर को मिले थे, एक ही विकेट मिल पाया था स्पिनर को। सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 5 विकेट एसआरएच की तरफ से पेसर ने लिए थे और 2 विकेट लेते स्पिनर को, हालांकि एसआरएच के पास मैक्सिमम यहाँ पर पेसर है उसके चलते यहाँ पर ज़्यादा विकेट इनको पेसर को मिले। बाकी इस ग्राउंड पर जो पिछले 4 मैचेस खेले गए ना, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसने 3 मैच जीते और जो टीम बैटिंग सेकेंड करे एक ही मैच जीता है। पिछले 4 मैचेस का एवरेज स्कोर देख लीजिए, 211 पिछले 4 मैचेस का एवरेज स्कोर, यानी जो टीम बैटिंग फर्स्ट करिए 200 प्लस रन हर एक मैचेस में बना रहे पिछले 4 मैचेस से, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सभी दोनों टीम की तरफ से जो ओपनिंग बैट्समैन है वो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रन बनाकर चले जा रहे हैं। और ओवरऑल अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो केकेआर का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड कुछ खास नहीं। पिछले 3 मैच में अगर यहाँ पर आप देखेंगे केकेआर ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पर यह मैच आ रहा है, केकेआर ने बैटिंग सेकंड करते हुए यहाँ पर यह मैच आ रहा है, और केकेआर ने फिर से बैटिंग सेकंड करते हुए यहाँ पर एक मैच आ रहा है। तो पिछले तीनों मैचेस केकेआर इस ग्राउंड पर हार कर आ रहे, हालांकि ये जो ग्राउंड है केकेआर का होम ग्राउंड है लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं।
दोनों टीम के बीच में अभी तक जो पिछले चार मैचेस हुए खेले गए, चार हेड टू हेड मैचेस में दोनों टीम ने दो दो मैचेस जीते। और इस वीडियो में जो गिवअवे होने वाला है उस गिवअवे का सवाल भी हम पूछ लेते हैं। 500 रुपये आपको फ्री में मिलने वाले, आपको बस प्रेडिक्ट क्या करना है कि शिखर धवन आपके कितने रन बनाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ नहीं, #KKR/PunjabKings और शिखर धवन ड्रीम इलेवन पॉइंट कितने रहेंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अगर आपका सवाल सही होता तो आपको 500 रुपीज़ का गिवअवे मिलेगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो पूरा देखा नहीं और आप पता चला आपने यहाँ पर कमेंट का जो आंसर है वो सही दिया है लेकिन फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको यहाँ पर एक गिवअवे मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आपने पास की वीडियो को पूरा देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया था, अगर आपका सवाल सही आता है तो आपको 500 रुपीज़ का गिवअवे मिलने वाला है। पिछले दो मैचेस इन दोनों टीम के बीच में जो हुए वहाँ पर देख लेते हैं कौन सा प्लेयर है जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है। आपकी शिखर धवन दिखेंगे, ज़्यादा हाई स्कोर तो नहीं बनाए लेकिन डिसेंट सा स्कोर बनाए, और बाकी कोई प्लेयर दिखेंगे नहीं यहाँ से। सेकंड मैच में राजपक्षे चले थे, अब यहाँ पर राजपक्षे इंजर्ड है। बाकी बॉलिंग में अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना तो बॉलिंग में आपके अर्शदीप ने यहाँ पर 3 विकेट लिए थे लास्ट मैच में, और उसके बाद यहाँ पर आपके राहुल चहर एक ऐसा प्लेयर है जो कंटिन्यूसली विकेट ले रहा है। राहुल चहर के यहाँ पर 1 विकेट, राहुल चहर के यहाँ पर 2 विकेट। सिकंदर रजा लास्ट मैच में जब यहाँ पर इस जब जब यहाँ पर इनको चांस मिलता है तब तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते, लेकिन आज का मैच में खेलने के चांसेस कम है। नेथन एलिस को विकेट मिला था, तो कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है। बस आपके अंदर रसल दिखेंगे, इन्होंने एक मैच में 35 रन बनाए थे, एक मैच में 70 स्कोर बनाया था और 1 विकेट भी मिले थे, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग में सावधी, हालांकि इनके खेलने के चांसेस नहीं है, तो इन्होंने 2 विकेट लेते, इन्होंने 2 विकेट लेते। फिर से आपके नारायण ने दोनों मैचेस में 1-1 विकेट लिया, तो आपके लिए नारायण इंपॉर्टेंट रहेंगे, ग्रैंड लीग खेल रहे, और यहाँ पर आपके लिए रसल इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस पिक आज के मैचेस में भी रहेंगे। वैसे भी हाई स्कोरिंग विनर तो इनके बैटिंग भी आएंगे तो वहाँ पर परफॉर्म देंगे, बॉलिंग भी करेंगे तो वहाँ से 1-2 विकेट देने के इनके चांसेस रहेंगे। केकेआर की तरफ से क्या कुछ रहेंगे पॉसिबल प्लेइंग 11, एक तो आपके गुरबाज और जेसन रॉय दोनों ओपन करेंगे, उसके बाद वेंकटाचार्य, नीतीश राणा और रिंकू सिंह। अगर यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो मिडिल ऑर्डर है पूरा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो लास्ट मैचेस में जैसे यहाँ पर केकेआर की जो पंजाब किंग्स है उनकी तरफ से यहाँ पर बॉलिंग नहीं दी गई थी इनके स्पिनर को, जो कि यहाँ पर हरप्रीत ब्रा है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर है, तो हो सकता है आज के मैचेस में या तो हरप्रीत ब्रा ना खेले, अगर खेलते भी तो इनके यहाँ पर ओवर मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर रिंकू सिंह का कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस आ रहा है, वेंकटेश्वर कंटिन्यूसली फ्लॉप हुए, तो मेरे टीम में गुरबाज, जेसन रॉय रहने वाले, उसके बाद यहाँ पर मेरे अपने टीम में शायद नीतीश राणा को पिक करो लूँगा, अदर रसल तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस नहीं आता, कई मैचेस में आता कई मैचेस में नहीं आता। वरुण चक्रवर्ती एक डिफॉल्ट पिक रहेंगे, हर्षित राणा को चाहो तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, वैभव अरोरा को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, हालांकि यहाँ पर मैं हर्षित राणा या फिर वैभव अरोरा इन दोनों की जगह पर आज के मैचेस में सूर्य शर्मा को देख रहा हूँ, क्योंकि आप वो लेग स्पिनर है और हो सकता है आज के मैचेस में खेलेंगे। लास्ट मैचेस में एज ए इंपैक्ट प्लेयर इन्होंने अनुकूल रॉय को खिलवाया था और वो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर, तो आज के मैचेस में जैसे कि यहाँ पर सामने वाले टीम में शिखर धवन रहेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन रहेंगे, तो हो सकता है आज के मैचेस में आपके सूर्य शर्मा खेलेंगे। लेकिन कौन से प्लेयर है जो यहाँ पर इस ग्राउंड पर इस टीम के अगेंस्ट और इस विनो पर कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहे हैं? गुरबाज को अगर यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूसली तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 3 मैचेस खेले, 3 मैचेस में 2 मैचेस इनके अच्छे गए और दोनों मैचेस का स्कोर यहीं पर आए, तो ये ग्राउंड इनको पसंद है, तो यहाँ पर वेन्यू इनके लिए काफ़ी अच्छा है, तो गुरबाज आपके लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में एक डिफॉल्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जेसन रॉय का परफॉर्मेंस देख लीजिए, पिछले 3 मैचेस में 1 मैच में परफॉर्मेंस आया और ये जो 1 मैच में परफॉर्मेंस आया वो इसी सीजन में आया और इस सीजन में कंटिन्यूसली ये प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक रहेंगे। हालांकि वेंकटेश अय्यर को मैं ड्रॉप कर चले जाने वाला हूँ, क्यों ड्रॉप करने वाला हूँ, इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो टोटली फ्लॉप है, पिछले 5 मैचेस में 35 हाई स्कोर है, उसके बाद हालांकि इस टीम के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लेकिन पिछले 4-5 मैचेस से कंटिन्यूसली फ्लॉप, एक ही मैच है जहां पर इन्होंने स्कोर बनाया था, बाकी सभी मैचेस इनकी तरफ से फ्लॉप है। नीतीश राणा का भी परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर आप देखेंगे इस टीम के अगेंस्ट कुछ खास इन्होंने किया नहीं, पिछले 5 मैचेस में 1 ही मैच में इन्होंने स्कोर बनाए, बाकी के मैच में यहाँ पर टोटली ऑलमोस्ट यहाँ पर फ्लॉप है, लेकिन इस ग्राउंड पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आया और रिसेंटली मैचेस में परफॉर्मेंस है, उसके चलते आप इनको अपने टीम में रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर पिच उस तरीके की रहेंगे। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो 4 मेंबर खेल रहे हो तो नीतीश राणा की जगह पर मैं रिकमेंडेड करूँगा आप अपने टीम में रिंकू सिंह को ट्राई कर लेना, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस इस प्लेयर का और इस ग्राउंड पर भी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस है, तो नीतीश राणा से थोड़े से यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूसली दे रहे वो दे रहे हैं यहाँ पर रिंकू सिंह। और नीतीश राणा इस टाइप के प्लेयर है जो कि कंटिन्यूसली हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, रिंकू सिंह हिटिंग करते हैं लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटर रिस्क यहाँ पर ये लेते हैं जहाँ पर आपको सिर्फ छक्के नहीं यहाँ पर बाउंड्री भी मारते देखने को मिलेंगे और वहाँ पर इनकी तरफ से हमेशा से यहाँ पर बैटिंग से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आया, तो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। एंड्र रसल कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस है इस टीम के अगेंस्ट भी और इस ग्राउंड पर भी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन से चॉइस पिक आपके लिए आज के मैचेस के लिए यहाँ पर रहेंगे एंड्र रसल, तो ज़रूर आप इनको अपने टीम में ट्राई कर लेना एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन।
अनुकूल रॉय लास्ट मैच में यहाँ पर एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे, 13 रन देकर 1 विकेट लिया था इस टीम के इस ग्राउंड पर। हालांकि जितने भी मैचेस खेले वहाँ पर विकेट लेस गए। इनके तरफ से बैटिंग से तो परफॉर्मेंस आया, लेकिन केकेआर की बैटिंग ऑर्डर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जरूरी नहीं कि हर मैच में आपको अनुकूल रॉय की बैटिंग देखने को मिले। अगर खेलते भी हो तो यहाँ पर मैं इनको ज़्यादा रिकमेंडेड करूँगा नहीं। अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग में एज ए रिस्की पिक ट्राई कर सकते हो। बाकी देख लेते केकेआर की तरफ से जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है, आपके सुनील नारायण कंटिन्यूसली फ्लॉप है, लेकिन इस ग्राउंड पर कंटिन्यूसली 3 मैचेस में इनकी तरफ से, 3 मैचेस में नहीं हालांकि 4 मैचेस में कंटिन्यूसली यहाँ पर इन्होंने विकेट लिए और इस टीम के अगेंस्ट। और इस ग्राउंड पर भी इनके पिछले 3 मैचेस इतने अच्छे रहे नहीं, उससे पहले जो पिछले बाकी के जो 3 मैच थे वहाँ पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आया। ग्रैंड लीग पिक आपके लिए रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए भी चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो जैसे कि ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन पर, क्योंकि वहाँ पर आप सभी ऑलराउंडर ले सकते हो। शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस लास्ट मैचेस में आया, उससे पहले मैचेस में कंटिन्यूसली तो परफॉर्मेंस नहीं आया लेकिन यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस आया। और एक चीज़ यहाँ पर, ये जो प्लेयर है ये अल्टरनेटिव मैचेस में फ्लॉप होता है और अल्टरनेटिव मैचेस में परफॉर्मेंस देते हैं, 3 विकेट उसके बाद फ्लॉप, 4 विकेट उसके बाद फ्लॉप, हो सकता है आज के मैचेस में परफॉर्मेंस आएगा। अदर एप्लीकेशन पर खेल रहे होते यहाँ पर स्मॉल लीग के लिए पॉइंट पिक आपके लिए रहेंगे। काफ़ी सारे लोग इनको इग्नोर करने वाले क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में ये अवेलेबल है और ऑलराउंडर सेक्शन में आपको काफ़ी सारे प्लेयर मिल जाएंगे। इस ग्राउंड पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, या तो यहाँ पर इन्होंने रन बनाए या फिर विकेट लेकर गए, तो ट्राई जरूर कर लेना। ग्रैंड लीग पिक के लिए काफ़ी अच्छी पिक रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती एक डिफॉल्ट पिक रहने वाले हैं, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, हर एक मैच में विकेट ले रहे और लास्ट मैच में तो इनको यहाँ पर एज अ डेथ बॉलर भी यूज़ किया गया था, यानी लास्ट के यानी आखिरी के ओवर डालेंगे तो वहाँ पर इनकी विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। हर्षित को रिकमेंडेड करूँगा नहीं, ना ही रिकमेंडेड करूँगा मैं यहाँ पर सुरेश को। अगर यहाँ पर ये एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलते तो लास्ट मैच में इनको चांस दिया गया नहीं था, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर टीम अगर बॉलिंग फर्स्ट करती और वहां पर सुरेश शर्मा खेल लेते तो यहां पर आप इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि पिच यहां पर जो रहेंगी वो यहां पर स्पिनर को असिस्ट करेंगी और स्पेशली जो लेग ब्रेक स्पिनर है उनके लिए यहां पर ये पिच असिस्ट करती है। तो हो सकता है आपके सुरेश शर्मा आज के मैचेस में 1 से 2 विकेट आपको लेकर दे दे। तो ये कुछ यहां पर आपके लिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग पिक रहेंगी। केकेआर की तरफ से प्लेयर बैटल देखती, केकेआर की तरफ से जो प्लेयर का परफॉर्मेंस देख चुके, बॉलर का परफॉर्मेंस देख चुके, अभी यहां पर पंजाब किंग्स की तरफ से जो बैटिंग ऑर्डर है जहाँ पर आपके प्रभ सिमरन शिखर धवन के साथ ओपन करते देखने को मिलेंगे, उसके बाद माथ्यू शॉट, लियाम लिविंगस्टन सभी देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर राइट हैंडर बैट्समैन है, बस यहाँ पर देखेंगे तो शिखर धवन ही एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, बाकी सभी आपको जो टॉप ऑर्डर है वहाँ पर राइट हैंडर बैट्समैन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सैम करन आएंगे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, और बाकी यहाँ पर हार्ड हिटर इनके पास काफ़ी ज़्यादा है, और आपके हरप्रीत बुमराह लेफ्ट हैंड ऑफ स्पिनर है, तो मुझे लगता है यहाँ पर इनकी जगह पर कोई राइट हैंड ऑफ स्पिनर आज के मैचेस में खिलवाएंगे, क्योंकि लास्ट मैच में देखा था सीएसके के अगेंस्ट, जब भी आप सीएसके के अगेंस्ट यहाँ पर खेले थे तो लेकिन एक भी ओवर इन्होंने डाला नहीं था क्योंकि सामने यहाँ पर सभी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। और आज का मैच भी वैसा है, केकेआर की तरफ से अगर टॉप ऑर्डर छोड़ दो तो बाकी इनका सभी मिडल ऑर्डर, चाहे यहाँ पर वेंकटेश अय्यर हो या फिर नीतीश राणा हो या फिर रिंकू सिंह हो, ये सभी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। तो हो सकता है आपके हरप्रीत बुमराह पावर प्ले में एक आधा ओवर डालेंगे और बाद में रिंकू सिंह आने के बाद शायद इनको ओवर ना मिले तो इनको ड्रॉप कर चले जाना। बॉलिंग में देखेंगे तो आपके लिए राहुल चहर ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, स्मॉल लीग के लिए थोड़े से पॉइंट और डिफरेंशियल पिक रहेंगे। नितिन आलिस एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेले थे, अगर यहाँ पर ये एज ए स्टार्टर खेलते तो मेरे टीम में रहेंगे। कगिसो रबाडा नहीं खेले तो इनके जो खेलने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पर रहते हैं। अर्षदीप टीम के मेन बॉलर है, लास्ट मैच में यहाँ पर रन काफ़ी दिए लेकिन विकेट भी लेकर गए थे, 1 विकेट इनको मिला था, तो कंटिन्यूसली विकेट ले रहे। और बैटिंग में मेरी टीम में यहाँ पर शिखर धवन रहने वाले, मैथ्यू शॉट रहने वाले, लियाम लिविंगस्टन रहने वाले, सैम करन मेरी टीम में रहने वाले, और मेरी टीम में यहाँ से अर्षदीप और या फिर मैं नितिन आलिस को पिक कर लूँगा या फिर सुरेश शर्मा अगर केकेआर बॉलिंग फर्स्ट करते तो मेरे टीम में सुरेश शर्मा रहने वाले। अभी इन प्लेयर को मैं पिक क्यों करने वाला हूँ वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस देखकर पता चल जाएंगे कि किस प्लेयर ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है। सबसे पहले आपके प्रभ सिमरन कंटिन्यूसली तो नहीं लेकिन यहाँ पर कुछ मैचेस में इन्होंने परफॉर्म दिया, थोड़े से रिस्की पिक आपके लिए हमेशा से रहते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और वहाँ पर ये पावर प्ले में काफ़ी अर्ली विकेट भी थ्रो कर जाते हैं। और आज का जो मैच है ना, केकेआर की तरफ से कोई पेसर ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करेंगे, तो हो सकता है आपके आज के मैचेस में प्रभ सिमरन परफॉर्मेंस आपको देकर दे दे। ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों खेल रहे होते यहाँ पर आपके लिए थोड़े से डिफरेंशियल पिक रहेंगे। रिस्क लेना पसंद करते हो तो अगर किसी को लेना है प्रभ सिमरन को ले लेना, गुरबाज को ड्रॉप कर, क्योंकि गुरबाज के सामने आपके अर्षदीप रहेंगे, आपके नितिन आलिस रहेंगे और दोनों ने यहाँ पर गुरबाज को परेशान किया है। प्लेयर बैटल में वो आपको पता चल जाएगा, आपकी शिखर धवन कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस है लेकिन पिछले 4 मैचेस से अभी तक यहाँ पर एक बड़ा नॉक इनकी तरफ से आया नहीं। आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज के मैचेस में वो नॉक रहेंगे क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पर इसी ग्राउंड पर खेले थे, 97 नॉट आउट गए थे। इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली आए, मेरे टीम में आज के मैचेस के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सी चॉइस पिक रहेंगे। मैथ्यू शॉट बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड ऑफ स्पिनर है और सामने वाली टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, तो इनकी तरफ से 1-2 ओवर आपको देखने को मिलेंगे, 1-2 ओवर देखने को मिलेंगे लियाम लिविंगस्टन
एसोसिएशन की तरफ से दोनों इंपॉर्टेंट वीक है। हालांकि इस ग्राउंड पर पहली टाइम खेल लेंगे, लेकिन रिसेंटली मैचेस का लिविंगस्टन का परफॉर्मेंस देख लेना। और मैथ्यू शॉर्ट भी एक ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पर आईपीएल में आने से पहले बीबीएल खेला था, तो वहाँ पर अपने अपने सभी लीग में वहाँ पर वो ऑलमोस्ट यहाँ पर टॉप फाइव में टॉप स्कोरर था। तो मैथ्यू शॉर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो यहाँ पर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना। जितेश शर्मा तक यहाँ पर अगर बैटिंग आती है तो ये प्लेयर कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग करता है। आप इससे समझ लेना जो कि शाहरुख खान इनके हार्ड हिटर है, ये इनसे यहाँ पर लेट आ रहा है। और जितेश शर्मा वैसे यहाँ पर एज ए यहाँ पर ओपनर या फिर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक का इनका परफॉर्मेंस आया मिडिल ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और विकेट कीपिंग भी करे तो आपको हो सकता है कैसे भी कुछ ट्रिमिनम पॉइंट या फिर कुछ फंटासी पॉइंट आपको देकर चले जाए। सैम करन डिफॉल्ट पिक रहने वाले हैं अगर यहाँ पर देखेंगे इस टीम के अगेंस्ट। यहाँ पर कंटिन्यूसली तो नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस आया, हालांकि इस ग्राउंड पर फर्स्ट टाइम खेलेंगे। रिसेंटली मैचेस में भी रिसेंट सा स्कोर है, कुछ खास नहीं है और कुछ यहाँ पर मतलब इतना भी खराब नहीं कि आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों से चांसेस रहेंगे, हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टनसी चॉइस के लिए रिकमेंडेड करूंगा नहीं। शाहरुख खान काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटर है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, ड्रॉप कर चले जाना। ग्रैंड लीग भी आपके लिए रहेंगे। हरप्रीत बुमराह लास्ट मैच में तो बॉलिंग ही नहीं मिली थी, इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं, इजीली आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। नेथन एलिस कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कर चले जा रहे हैं, हालांकि इस टीम के अगेंस्ट दो मैच के लिए एक ही मैच में विकेट लिया है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये डेथ में बॉलिंग करते हैं और स्टार्टिंग के पावर प्ले में एक दो ओवर करते देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट है हर्षदीप, टीम के मेन बॉलर है और कंटिन्यूसली विकेट ले रहे हैं, हर एक मैचेस में विकेट है, विकेटलेस अभी तक गए नहीं। इस टीम के अगेंस्ट भी यहाँ पर पिछले दो मैचेस में छः विकेट लिए और उसके बाद भी यहाँ पर इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आए, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। राहुल चौर ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, ग्रैंड लीग पिक इसलिए रहेंगे क्योंकि यहाँ पर इस टीम के अगेंस्ट इनको खेलना पसंद है और इस टीम के अगेंस्ट कंटिन्यूसली ये परफॉर्मेंस भी देते। एक विकेट दो विकेट चार विकेट दो विकेट दो विकेट इस ग्राउंड पर एक मैच खेले, वहाँ पर एक विकेट इन्होंने लिया। ऋषि धवन चांसेस कम है कि आप पूरे ओवर डालेंगे, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना क्योंकि इस ग्राउंड पर पिछले दो मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देकर आ रहे इस टीम के अगेंस्ट। हालांकि कुछ खास किया नहीं, पिछले तीनों मैचेस में विकेट लेस गए थे, इसलिए यहाँ पर मैं इनको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए यहाँ पर रिकमेंडेड तो करूंगा ग्रैंड लीग के लिए, लेकिन थोड़े से रिस्की पिक रहेंगे। लेकिन स्मॉल लीग के लिए इजीली आप इनको ड्रॉप कर लेना क्योंकि लास्ट मैच में एक विकेट मिला तो शायद यहाँ पर कोई सोचेंगे इनको ट्राई करने का। प्लेयर बैटल देख लेते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिल जाएगा कि कौन सा बॉलर है, कौन से बैट्समैन को परेशान करता है। आपके जो जेसन रॉय वो नेथन एलिस के सामने काफ़ी ज़्यादा परेशान है और पिछले 10 बॉल में 6 ही रन बनाए और दो बार आउट किया है, तो ये बैटल आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा। बाद में यहाँ पर रबड़ाई खेलने के चांसेस कम है, उनके वजह से रॉय के सामने जो बैटल है वो अच्छे है। रसल ने स्ट्रगल किया है सैम करन और ये भी बैटल आपको देखने को मिलेगा। डेथ में यहाँ पर ये बैटल शायद आपको देखने को मिलेगा। नीतीश राणा ने स्ट्रगल किया आपके राहुल चौर के सामने, बस यहाँ पर 19 बॉल में 25 रन बनाए और दो बार आउट किया है। शिखर धवन स्ट्रगल करते, वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट यहाँ पर ज़्यादा आप देखते नहीं कि यहाँ पर शिखर धवन इतने यहाँ पर स्लोली खेलते, लेकिन इस बॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्लोली खेलते और तीन बार आउट भी किया है, तो ये भी बैटल आपको देखने को मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं शिखर धवन। बैटल कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर आपका वरुण चक्रवर्ती का शिखर धवन के साथ, जेसन रॉय का नेथन एलिस के साथ और आपके रसल का सैम करन के साथ, ये जो बैटल ये शायद आपको देखने को मिलेगा और नीतीश राणा का भी बैटल आपको देखने को मिलेगा। तो सभी बैटल जो इंपॉर्टेंट बैटल है वो मैंने यहाँ पर मैंशन किए। अभी बात करते हैं मेरी एक डेमो ट्रिब्यून टीम के, जहाँ पर मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में गुरबाज को रखा है। अगर आप चाहो तो गुरबाज को ड्रॉप कर प्रभ सिमरन को या फिर जितेश शर्मा को विकेट कीपिंग में ले सकते हो, लेकिन गुरबाज का इस ग्राउंड पर पिछले तीन में से दो मैचेस में परफॉर्मेंस आए, उसके वजह से मैंने इनको अपनी टीम में रखा है। शिखर धवन की तरफ से पिछले तीन चार मैचेस में अच्छा स्कोर तो आया, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि यहाँ पर 50 प्लस स्कोर अभी तक इन्होंने बनाए नहीं पिछले तीन चार मैचेस में। मुझे लगता है आज के मैचेस में इनकी तरफ से वो स्कोर आ सकता है। वैसे भी यहाँ पर जो पीछे बैटिंग फ्रेंडली रहेंगी एंड्रे रसल, उम्मीद है यहाँ पर बॉलिंग भी आएंगी इनकी तरफ से और इस ग्राउंड पर एक मैच में तीन विकेट भी ले, इसलिए यहाँ पर मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाए। बाकी आपकी जेसन रॉय डिफॉल्ट पिक रहेंगे, मैथ्यू शॉर्ट को मैंने टीम में रखा है, लिविंगस्टन को और सैम करन को जो कि यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, अर्षदीप और नेथन एलिस इन दोनों को मैंने अपने टीम में रखा है, उम्मीद है कि यहाँ पर दोनों की तरफ से विकेट आएंगे। और वरुण चक्रवर्ती तो नो डाउट एक डिफॉल्ट पिक आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पर एक मेरी डेमो ट्रिब्यून टीम, एक ही प्लेयर है जिस पर मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है, मेरे टीम में रिंकू सिंह है। अगर आप चाहो तो अपनी टीम में आपके नीतीश राणा को ले लेना या फिर वेंकटेश आयर, इन दोनों में से किसी को प्रेफरेंस दे सकते हो, लेकिन मैं रिंकू सिंह के साथ गया हूँ। क्यों गया, क्योंकि मैं फोर मेंबर लीग खेलता हूँ, रिंकू सिंह मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर नीतीश राणा से बेटर परफॉर्मेंस देंगे। अगर यहाँ पर इनको चांस मिला अच्छा खासा, चार पाँच ओवर भी मिलेंगे लास्ट के, तो इनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ सकता है और जो आपके नीतीश राणा है इस टीम के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर दी, ये एक चेंजेस कर सकते हो। मैं फोर मेंबर लीग खेल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने एक प्लेयर पर रिस्क लिया है। बाकी अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो रिंकू सिंह की जगह पर आप अपनी टीम में नीतीश राणा को पिक कर लेना। वैसे मैं मेरे फाइनल टीम और फाइनल अपडेट दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, मोस्टली यही मेरी फाइनल टीम रहेंगी अगर लाइनअप में कोई चेंजेस हुए नहीं तो। होप गाइज यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, इफ यू हैव
डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ तक अगर आप वीडियो में जुड़े तो कमेंट बॉक्स में गिव अवे का सवाल जरूर दे देना, हो सकता है आज के मैचेस में आप गिव अवे विनर भी हो।